नलकूप में सो रहे युवक को फावड़ा से काटकर हत्या। घटना की सूचना पर एसपी अभिनंदन सिंह, सीओ डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह, भारी पुलिस बल एवं डॉग स्क्वाड टीम के साथ मौके पर थाना क्षेत्र के सिघावल गांव में बीती रात नलकूप में सो रहे एक युवक की पुरानी रंजिश को लेकर फावड़ा से काटकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना परिजनों को हुई तो रोते भी लगते परिजन मौके पर पहुंचे। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई। पुलिस की सूचना पर घटनास्थल में पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह, सीओ डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह, भारी पुलिस बल एवं डॉग स्क्वाड तथा फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल पर मौजूद शराब की खाली बोतल, गिलास व कई छात्राओं को एकत्र किया गया। खोजी कुत्तों की मदद से घटना का निरीक्षण किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। परिजनों को जल्द घटना का अनावरण करने का आश्वासन दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परीक्षण के लिए भेज दिया है। निवासी प्रमोद पांडे 27 वर्ष बीती रात अपने चचेरे भाई सुनील को सोने के लिए लेकर गया था। उसके चाचा ने पुलिस को बताया कि हफ्ते भर से ही वह नलकूप पर सोने के लिए जाता था। सुबह जब चचेरे भाई सोनू ने देखा तो नलकूप का दरवाजा खुला पड़ा था। युवक के सिर पर प्रहार कर हत्या की गई थी। इसके अलावा घटनास्थल पर घटना की जानकारी हुई तो कोहराम मच गया। यहाँ थाना कौशाम्बी के सिंगवल गाँव में एक घटना हुई है जिसमें कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। प्रमोद पांडे नाम के व्यक्ति हैं और ये अपने ट्यूबवेल पर रात में सो रहे थे। प्रथम दृष्टया ये मामला कुछ परिवार से ही जुड़ा हुआ लग रहा है, आपसी रंजिश का लग रहा है। हम सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, फील्ड यूनिट की टीम मौजूद है, डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद है, सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है, जल्दी इस घटना का अनावरण किया जाएगा। सर ग्रामीण कह रहे हैं कि डेड बॉडी नहीं ले जाएंगे बिना डीएम साहब के आदेश से। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग यहीं पे हैं, हम लोगों ने बात करी है, कोई इस तरह की बात नहीं है। बॉडी को मॉर्चरी भिजवाया जा रहा है और आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर इसमें पुरानी रंजिश है कि कैसे क्या मामला? ये देखिए अभी तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि परिवार में ही कोई मामला इस तरह का है और आगे जो चीज़ है वो विवेचना में सामने आ जाएगी।